गेहूं का माहू चेपा कीट। ये मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है ये मौसम। दोस्तों आजकल का मौसम कभी भी अपना रूप बदल लेता है और हमारी फसल के लिए खतरा बन सकता है। अब गेहूं को ही ले लो, मौसम के बदलाव से गेहूं में माहू कीट जाग जाता है और गेहूं को अपना शिकार बनाने लग जाता है और ये नवंबर से फरवरी के बीच ज्यादातर देखने को मिलता है। इसे पहचानना कोई मुश्किल नहीं, ये पीले भूरे और काले रंग के मच्छर के जैसे बराबर कीड़े होते हैं जो पौधे के कोमल भाग जैसे नई पत्तियों और बालियों को सबसे पहले अपनी चपेट में लेते हैं और रस चूस कर उन्हें कमजोर कर देते हैं। शुरू शुरू में इस कीड़े की शिकार पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, फिर ये शहद जैसा कुछ चिपचिपा सा पदार्थ पत्तियों में छोड़ते हैं जिस पर काली फफूंद लग जाती है और पत्ते का रंग काला पड़ने लग जाता है और परिणाम पौधा आगे बढ़ना बंद कर देता है। अगर आपने फसल बोने में देरी की है तो आपको इसके नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। अगर इन्हें देखना है तो इसके शिकार पौधे को उखाड़ कर सफेद कागज पर रखकर देखें। अब इससे बचना है तो फसल की बुवाई में देरी ना करें और ज्यादा यूरिया ना डालें। इस माहू को ललचाने के लिए खेत के चारों ओर सरसों की फसल की 3 से 4 कतारों में बुवाई करें। इस माहू को जाल में फंसाने के लिए फसल में 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 4 से 10 पीले चिपचिपे कार्ड लगाएं। खड़ी फसल में बीमारी के निशान दिखें तो रासायनिक तरीका अपनाएं। इस कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें या थाइमेथोक्शाम 25% WG की 0.1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।